Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. Today in this tutorial or in this section we are going to discuss entire flow of web application, right guys? तो गाइस इसमें हम लोग एक बार फिर से फ्लो को ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे कि हमारा डिस्पैचर, सर्वलेट, यू कैन से फ्रंट कंट्रोलर कब इनिशियलाइज होता है और कैसे इनिशियलाइज होता है और कब हमारा वेब कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर यू नो क्रिएट होता है, राइट? तो गाइस चलिए बिफोर मूव ऑन लेट्स टेक अ स्मॉल इंट्रो. गाइस सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा डिस्पैचर, सर्वलेट, फ्रंट कंट्रोलर कब इनिशियलाइज्ड होता है? अपनी पेंट विंडो पे आते हैं. लेट्स से वी हैव अ वेब एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल F1, ठीक है? तो जब हम इसको रन करते हैं, राइट, जैसे ही इसको रन करते हैं गाइस, तो इसके लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ती है. वो सर्वर कोई भी हो सकता है, टॉमकैट हो सकता है, ग्लासफिश हो सकता है, कोई भी सर्वर. मतलब विदाउट सर्वर वेब एप्लीकेशन रन नहीं होती है. तो मतलब कि एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है, ओके, सर्वर स्टार्ट, राइट, सर्वर स्टार्ट होता है तो ऐप के अंदर हमारे पास एक web.xml फाइल है, ओके. तो web.xml फाइल है गाइस, क्या करता है ये जो सर्वर होता है गाइस, इस फाइल में जो भी कॉन्फिगर किया गया, अभी बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्पैचर, सर्वलेट, फ्रंट कंट्रोलर को कॉन्फिगर किया है, तो इसे इनिशियलाइज करने की कोशिश करता है सर्वर, राइट. और जैसे ही इनिशियलाइज करने की कोशिश करता है, इसके अंदर जो भी web.xml के अंदर हमने सर्वलेट का नेम रखा है, फ्रंट कंट्रोलर का नेम है वेटर, तो क्या करेगा, उस नेम के साथ यू नो सफिक्स में सर्वलेट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, राइट. यहाँ पे वेटर आपका कोई भी नेम हो सकता है, तो इस फाइल को वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा. अगर ये फाइल मिल जाती है गाइस, राइट, नॉट एग्जिस्ट समथिंग, नॉट एग्जिस्ट, तो अगर फाइंड हो जाती गाइस, तो बेसिकली क्या होगा कि डिस्पैचर FC फ्रंट कंट्रोलर यू नो सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ओके, इनिशियलाइज हो जाएगा. और अदरवाइज फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आपको मिलेगी, राइट. अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो वेटर हाइफन सर्वलेट है, इस फाइल की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट दिस फाइल, ओके, इस फाइल को क्यों ढूंढता है गाइस. बेसिकली क्या है, इस फाइल को जस्ट इक्वल टू आप रिलेट कर सकते हो किस फाइल से गाइस, यू नो बीन्स डॉट xml फाइल, ये जस्ट इक्वल उसी तरह फाइल है. लेकिन गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बीन्स डॉट xml जस्ट इक्वल है, तो फिर मतलब कि वेटर हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा सारी डिपेंडेंसीज की. तो गाइस करेक्ट है, राइट, हमें सारी डिपेंडेंसीज को इसी के अंदर कॉन्फ़िगर करने होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इसी के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस, अगर हम स्प्रिंग कोर की बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो क्या होता था कि हमें मैनुअल क्रिएट करना पड़ता था कंटेनर. कैसे क्रिएट करना पड़ता था, एप्लीकेशन, यहाँ शॉर्टकट लिखूंगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो इस तरह से हम मैनुअल क्रिएट करते थे और इसे हमें मैनुअली क्लोज भी करना पड़ता था. स्प्रिंग कोर की बात कर रहा हूँ गाइस, तो इसे हमें मैनुअल क्लोज भी करना पड़ता था. मतलब गाइस कि बीन्स डॉट एक्सएमएल के थ्रू जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो उसमें जो है हमें कंटेनर जब हम क्रिएट करते थे, वो क्या होता था, मैनुअल क्रिएट करना पड़ता था, राइट, और मैनुअल जो है यू नो क्लोज करना पड़ता था कंटेनर, राइट, जो IOC कंटेनर हम लोग क्रिएट करते थे, ओके, उसका ऑब्जेक्ट. लेकिन वेटर हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल को वेब एप्लीकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो फाइल है, इसको तो हमने कभी अभी जो है अपने इस प्रोजेक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो ये कैसे इनिशियलाइज हो रहा है, कैसे ये लोड हो रहा है. तो बेसिकली क्या है, जैसे ही हमारा ये वेब एप्लीकेशन और ये जैसे ही FC सर्वलेट इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल होता है गाइस, ये जैसे सक्सेसफुल होता है, ये हमें एक कंटेनर क्रिएट करता है फॉर वेब, राइट.
तो मतलब कि बेसिकली इस फाइल को इसलिए ये फाइंड आउट करता है वेटर हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल, अगर ये फाउंड हो जाती है, अगर नहीं मिलती तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिलेगी, अगर मिल जाती है तो मतलब कि डिस्पैचर सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया और साथ ही साथ वेब एप्लीकेशन कंटेनर स्प्रिंग कंटेनर भी क्रिएट हो गया, और इसे हमें मैनुअल क्रिएट नहीं करना पड़ा, कंटेनर मैनुअल नहीं क्रिएट करना पड़ा, वो सर्वर के स्टार्टअप के टाइम पे ही क्रिएट हो गया, और सर्वर के स्टॉप होते ही कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्रंट कंट्रोलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मैनुअल क्लोजिंग नहीं करनी, मैनुअली कंटेनर को इनिशियलाइज नहीं करना है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ चुका होगा। बस गाइस इतना ही होता है। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओके टी करेंगे तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करो व्हाट द नेम ऑफ वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट राइट ओपन। तो गाइस ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंटरफेस है और इसने एक्सटेंड किया हुआ है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, जो कि इंटरफेस है। यहाँ पे आप नेमिंग कन्वेंशन आपको दिख रहा होगा, आई मतलब कि इंटरफेस, और ये भी इंटरफेस है, और यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा है। बस गाइस इतना ही था। इस तरह से डिस्पैचर सर्वलेट क्रिएट होता है और साथ ही साथ हमारा वेब कंटेनर क्रिएट होता है, जिसे हमें मैनुअल नहीं क्रिएट करना होता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।